इस प्रकार लिखा है, महान कौन? और उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से बड़ा कौन समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं जो उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन तुम में जो बड़ा हो वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। परमेश्वर अपने बच्चा सिंह सुन के लैंड सीजन। और हर साल की तरह ये 40 दिन भी आएंगे, 46 days विल कम, 6 Sundays आर एक्सक्लूडेड। और ऑर्थोडॉक्स जो चर्चेज हैं, आई थिंक दे कीप द फास्ट फॉर ऑल 46 days, पर हम ये जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो 40 दिन पर अपना फोकस ज़्यादा करते हैं। और तब कई वर्षों से 40 दिनों के दौरान उन तमाम मैसेजेस को, उन तमाम संदेशों को हम अपने जीवन में सुनते हुए आए, और उन संदेशों को सुनने के बाद बहुत कम टाइम पर ऐसा होता है कि हमें वो पास्टर्स या बिशप या कोई परमेश्वर का प्रचारक, उसका वचन हमें याद रहे। वरना हमें अक्सर याद रहता, अच्छा उनके यहाँ दुआ हुई थी, बड़ा बढ़िया खाना था, मुझसे पूछना कैसे मनाया था, उनके यहाँ दुआ हुई थी, उन्होंने कंटिन्यू वायदा, उसके जो प्रॉमिसेस जो वो मुझसे और आपसे उम्मीद करता है, उनको हम हर 40 दिन के बाद भूल जाते हैं। ईस्टर खत्म, लैंड सीजन खत्म, लाइफ कम्स ऑन ए नॉर्मल रूटीन। लेकिन प्रभु अपने इस वचन के द्वारा बहुत सी मरतबा बार बार वो सिखाना चाहता है। पतरस यीशु मसीह का शागिर्द था, बहुत ही क्लोज उनके साथ रहा करता था और बड़ी हड़बड़ी में रहा करता था। जो परमेश्वर प्रचार करने के बाद नाव में जा रहे थे, तो उसने यीशु मसीह को नाव पर की तरफ आते देखा, तो कहने लगा मैं भी आ जाऊं। उसने आ जाऊं, और जब चलना शुरू हुआ तो डूबने लगा, क्योंकि विश्वास की कमी थी। He was not strong. Even जब गतसमनी के बाग में प्रभु ने अपने 3 शिष्यों को लेकर जब वो प्रार्थना करने जाते हैं, पतरस जॉन को लेकर के जब वो प्रार्थना करने जाते हैं, तो वहां पर भी वो बोलते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि अजमाइश में ना पड़ो। और परमेश्वर खुद अलग जाकर प्रार्थना करते हैं। That was the time which even Jesus thought that he should pray. कई बार उन्होंने प्रार्थना करी, कई बार शिष्यों को भी प्रार्थना करना सिखाया, और जब वो प्रार्थना करके वापस लौटते हैं गतसमनी गार्डन की तरफ, तो वो अपने शिष्यों को सोते हुए पाते हैं। और तब वो पतरस को हिला के कहते हैं कि क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सके? तो फिर बोलते हैं कि जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि अजमाइश में ना पड़ो। फिर पतरस कहता है, प्रभु चाहे सारे तेरे चेले इधर उधर भाग जाए, लेकिन मैं तेरे को छोड़ के, यीशु मसीह उससे कहते हैं कि आज ही मुर्गा भांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाते हैं, और पतरस वहां आंगन में हाथ सेक रहा होता है, तो एक स्त्री आकर उससे बोलती है कि तू भी तो यीशु के साथ था, और पतरस मना कर देता है, नहीं मैं नहीं था। ये वही चेले हैं जो 3-3.5 साल परमेश्वर की मिनिस्ट्री में उसके साथ रहे। हर वक्त जब से उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी, हर वक्त प्रभु के साथ रहते थे। लेकिन वक्त आने पे, जैसे ही यहूदा ने जब उनको 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, तो सारे चेले छोड़कर यीशु मसीह को तितर बितर हो गए, कोई भी उनके साथ नहीं रहा। और जब वापस वो जीवित होते हैं, तब फिर वापस उनको ज्वाइन कर लेते। तो वो उनकी
उनकी आस्था, उनका विश्वास जो पहले था क्या वो उतना ही स्ट्रांग था या उससे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, यही हमारे भी विश्वास की फर्क होती है। कई बार छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हम लोग घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। वचन कहता है कि तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपके पास बहुत सारे मैसेज आते रहेंगे, उसमें बहुत सारे मैसेज ऐसे होते हैं जिसमें मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तब तेरा परमेश्वर हूँ और तेरा दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये उसके प्रोमिसेज हैं, लेकिन वो उसके प्रोमिसेज हैं, मेरे और आपके प्रोमिसेज हैं। जब एक बच्चा छोटा गोदी में होता है और उसको बैप्टिज्म कराया जाता है, तो पास्टर साहब उसको बहुत सारे सवाल उनके पेरेंट्स से पूछते हैं, क्या आप अपने बच्चों को हर संडे चर्च लेकर आओगे, आप अहद करो, एक वाचा बांधो। तब जितने ही माँ बाप होते हैं, दादी दादा भी खड़े रहते हैं, सब प्रॉमिस करते हैं यस वी डू, हम लाएंगे, आई विल, मैं लेकर आऊँगा। लेकिन वास्तविक तौर पे आप देखो, जनवरी के बाद बच्चे फिर जाने बंद हो जाते हैं। क्या है? बोर्ड एग्जाम आए, 24 घंटे में से एक घंटा दे कैन नॉट स्पेयर फॉर द वन हु इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ नॉट ओनली देम बट देयर एंटायर बॉडी। वे शरीर के अंदर जिसको हम लेके बहुत फूलते हैं, इसमें सांस किसका है? परमेश्वर का। उसने मिट्टी ली, उसके पुतला बनाया और अपना दम उसके अंदर फूका। तो उस प्रोमिसेस को भी हम भूल जाते हैं। अकल बुद्धि ज्ञान कर देने वाला कौन है? परमेश्वर है। लोगों के IQ लेवल खराब हो जाते हैं, नहीं नहीं मैथ्स की बहुत पढ़ाई, साइंस की बहुत पढ़ाई, किसी भी तरह के कई और बच्चे खुद नहीं जाना मानते, पापा आप जाओ, फादी साहब बहुत दिमाग खाते हैं, बड़ा लंबा सरमन देते हैं, सो मैनी एक्सक्यूज। तो वो जो प्रोमिसेस हम परमेश्वर से करते हुए आ रहे हैं, वो सारे व्यर्थ हो जाते हैं। कन्फर्मेशन होता है, कन्फर्मेशन शायद मैं सोचता हूँ वो इसलिए होता है कि भाई बचपन में माँ बाप का फर्ज था, उन्होंने हमारा बैप्टिज्म करा दिया, कन्फर्म हम 16-17 साल के हो गए, हम होश संभाल लिया, तो हम वी आर अवर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कि अब हमें चर्च जाना है, बाइबल पढ़नी है, अध्ययन करना है, क्वायर ज्वाइन करनी है, यूथ ज्वाइन करनी है। लेकिन हम उसके बाद भी, कन्फर्मेशन के बाद भी बिशप साहब आएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, कोई और गिफ्ट नहीं मिलता, एक एक बाइबल मिलती सबको, और पता नहीं कितने लोगों ने उस बाइबल को आज तक पूरा पढ़ा होगा या आधा पढ़ा होगा। सो दोज आर द प्रोमिसेस विच नाउ द टाइम हैज कम दैट वी शुड मेक श्योर कि कम से कम 4 इतवार नहीं तो 1 इतवार बच्चे चढ़ जाए, ताकि वो परमेश्वर से जुड़े रहें। वचन कहता है तुम उससे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, मैं दाग लेता हूँ और तुम डालियों, डाली को अगर पेड़ से काट दिया जाए तो कितने दिन तक सही रहेगी? ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, पड़ी रहेगी, आपको अच्छा लगे अरे काट दिया फिर भी हरी भरी है, अभी सही चल रही है, जैसे धूप ज़्यादा लगेगी सूख जाएगी। वही हाल उन लोगों का है जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। कई बार उसके बाद भी हम थोड़े और आगे चले जाते हैं, तो हम सोचते हैं यार क्या फर्क पड़ता है चल जाने से, अरे उनको देखो वो तो चर्च बिल्कुल ही आते, तो खुदा अपने सबको दे रखा है। लेकिन वचन इस बात को बोलता है कि यीशु मसीह के चेलों के साथ एक उदाहरण उन्होंने दिया, एक सिद्धांत इसके अंदर है कि चेले ने आकर पूछा परमेश्वर वो झाड़ियाँ उग रही हैं, फल के साथ साथ झाड़ियाँ भी उग रही हैं, उनको झाड़ियों को काट दो, उन्होंने कहा नहीं इनको साथ साथ बढ़ने दो, जब कटनी का समय आएगा तो जो मैं फल है उनको अपने गले में इकट्ठा करेगा, और जो झाड़ियाँ जंगली जो पौधों के साथ साथ बढ़ रही हैं उनको अलग करके जला दिया जाएगा। तो वी हैव टू गिवन एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ईस्टर पेजेंट आने वाले समय में आप लोग देखेंगे, कई सालों से देखते आ रहे हैं, इट्स लिविंग एग्जाम्पल, लिविंग टेस्टिमनी। बहुत सारे लोग हैं
तीन चार साल पहले जब लोगों के विश्वास के अंदर उनके विश्वास को मजबूत करती है। पंडे का कई बार गोल्डा करना चर्च के बाहरी गेट पर जो है वो जो पिछले वो पहले होंगे, क्योंकि हमने अपना पैतृक अधिकार समझ लिया कि वी आर बॉर्न इन क्रिश्चियन फैमिली, हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसने ब्लेस कर दिया, सैक्रमेंट ले ली, हमारा फिनिश। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस व्हेन पास्टर स्टार्ट्स ऑन होली कम्युनियन संडे, ये दैट आर ट्रूली इन लव एंड चैरिटी विद योर नेबर्स, ड्रॉ नियर टू गॉड। तुम जो अपने पड़ोसियों से अपने समान मोहब्बत रखते हो, प्रभु के इस मिराज में शामिल हो। कैसी मोहब्बत रखते हैं हम इन 40 दिनों में, सोचें कौन सी मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर वास करती है। यहूदा स्मृति वाली कि जिसको मैं चूमू बस वही है, उसी को ले जाना, बाकी को छोड़ देना। इट्स अ हाई टाइम आई शुड से, वेदर इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, बीमारियां चेंज हो रही, लाइफ का आदमी को कुछ नहीं पता। एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, यू नो एवरीथिंग। लेकिन परमेश्वर फिर भी मुझे और आपको इतने मौके देता है कि हम उसके बताए हुए रास्ते पर अपने जीवन को चलाएं। तो काश प्रभु मुझे और आपको ऐसी तौफीक इनायत करे कि हम परमेश्वर के भय में होकर उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, ताकि वो मीरास जो मुझे और आपको अपने खजाने से दिया जाता है लेने वाले हो सकें। Oh.